हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, सेकंड और थर्ड ईयर यानी फोर और सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले तो मैं उन यूट्यूबर से ये बोलना चाहता हूँ जो फोर और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताने को तैयार है। उन्होंने बोल दिया ऑफलाइन तो ऑफलाइन, जबकि आप अगर एक चैनल चला रहे हो तो इसका ये मतलब होता है कि आपका काम है अपडेट करना कि सोल के अंदर क्या हो रहा है, जिससे वो स्टूडेंट जो सोल के अंदर नहीं जा पा रहे या ड्यू के अंदर नहीं जा पा रहे उनको भी अपडेट मिलता रहे। बट आपको तो हर चीज़ ऑफिशियल ही चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत रॉन्ग है, बट हम ऐसे नहीं हैं। कॉलेज अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट देता रहेगा और देता आया है फोर और सिक्स सेमेस्टर के लिए। जो सोल के स्टूडेंट है, डीयू का तो चल रहा है, आप सोल का भी है। देखिए, सोल का जो संगठन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, KYS करके क्रांतिकारी युवा संगठन, उनका विरोध प्रदर्शन होगा। जी हाँ, छात्र विरोधी डीयू प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होना है 6 अप्रैल बुधवार 11 बजे आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में। इनकी मुख्य मांगे क्या क्या है वो आप देखिए। डीयू में सेकेंड और थर्ड ईयर की छात्राओं की परीक्षाएँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में OB मोड पर करवाई जाए। सोल के सभी छात्रों को पूरा स्टडी मटेरियल तत्काल दिया जाए। सभी इच्छुक छात्रों को ऑफलाइन कक्षाएं देकर सिलेबस पूरा कराया जाए और परीक्षा सिलेबस ख़त्म होने के 1 महीने बाद कराई जाए। यानी कि इन्होंने ये भी कहा है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए। और इनका जो मेन हैशटैग है वो है DU Bonds OBE Sol Bonds OBE। तो आप अगर DU के स्टूडेंट हैं रेगुलर और NCF के स्टूडेंट हैं तो आपको हैशटैग लगाना DU Bonds OBE, और अगर आप सोल के स्टूडेंट हैं तो लिखना है Sol Bonds OBE। तो क्रांतिकारी युवा संगठन 6 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने वाली है और इसकी अपडेट कोई आपको नहीं दे रहा है। सबसे बुरी खबर है, DU की बात तो लोग करते हैं बस सोल के स्टूडेंट की बात कोई नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो हमारा काम है आपको अपडेट करना क्या हो रहा है। तो अभी भी प्रदर्शन जोरों शोरों पर हो रहा है और अब मुझे लगता है आर पार की अब की बार लड़ाई होने वाली है। या तो आप हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन लो, वरना हम विरोध प्रदर्शन इतने लेवल पर करेंगे जितना आप सोच नहीं सकते। तो कुल मिला के क्या प्रोटेस्ट में बहुत ताकत है या नहीं? प्रोटेस्ट में बहुत पावर है। प्रोटेस्ट में ये पावर है कि जो गवर्नमेंट के तीनों कानून जो वापस हो सकते हैं, तो आप सोच सकते हो, जो लगा नहीं था कि कृषि कानून बिल वापसी हो जाएंगे वो वापसी हुए। तो प्रदर्शन करना सबका हक है। और स्टूडेंट 6 अप्रैल को इन्होंने कहा कि आप आइए, अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो फोर और सिक्स सेमेस्टर के और एनुअल मोड वाले भी, अगर आपको OBE चाहिए तो इनका समर्थन कीजिए। तो हम तो इनका समर्थन करते, इसलिए हमने वीडियो बना दी ताकि आपको पता चले। बाकी औरों का मुझे पता नहीं, औरों की क्या थिंकिंग है, क्या वो सोचते हैं, ठीक है? अगर आपका कोई समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, तो हम भी उनका भी करना चाहिए। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो ऐसे चैनल के साथ जो जुड़िए जो आपके पक्ष में बात करता हो, ना कि आपके विपक्ष में, समझ रहे हो ना? तो बाकी स्टडी भी करते रहिए और ये भी अपडेट लेते रहिए। थैंक यू सो मच।